Hi and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is the third part. So in this part we are going to prepare our model for ZBrush. So let's get started. So yahan tak model hamara jo tha wo hum unwrap kar chuke the. Abhi further humne jo hai isko mirror karna hai aur ZBrush ke liye jo humne ready karna hai wo apna model ready karenge. So let's get started. सो सिंपल उसके लिए आपने यहाँ पे अगर एडिट में जाएं तो यहाँ कंट्रोल डी आप देख रहे हैं डुप्लीकेट की शॉर्ट की है तो मैं वही यूज़ करूँगा. आप इसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो अभी अगर आप देखें इसकी कॉपी हो चुकी है. ठीक है, और ये आपका वाई एक्सेस है, ये आपका जी एक्सेस है, ब्लू वाला जो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है, और ये आपका एक्स एक्सेस है ये वाला. तो हमने एक्स एक्सेस स्पेस को इस साइड पे मिरर करना है. तो सिंपल एक्स एक्सेस में जाएंगे स्केल में और टाइप माइनस वन एंड एंटर. तो आप देखेंगे आपका जो मॉडल है वो मिरर हो गया. और उसके बाद सिंपल आपने शिफ्ट लेफ्ट क्लिक से दूसरा भी सिलेक्ट करना है पार्ट जो इसका है, और शिफ्ट राइट क्लिक एंड सिंपली कंबाइन. ठीक है, और कंबाइन करने के बाद आपने वर्टेक्स मोड में जाना है, और क्योंकि मेक श्योर ये देखें आपके ये वर्सेस जो हैं वो वेल्ड नहीं है, तो ये आपने मेक श्योर करना है कि ये वेल्ड हो. आप वर्सेस सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट राइट क्लिक, मर्ज वर्टिसेस और मर्ज वर्टिसेस. थ्रेश होल्ड काफ़ी है, इतना सिंपल एंटर प्रेस करें या कहीं और लेफ्ट क्लिक करें तो ये कमांड आपकी कंप्लीट हो जाएगी. उसके बाद आप अगर यहाँ चेक भी करना चाहें तो आप W प्रेस करें मूव के लिए, और आप देखें अभी आपके वर्सेस जो हैं वो वेल्ड हैं. और ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे और एडिट में डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री ऑल्ट शिफ्ट प्लस डी इसकी शॉर्ट की है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. और प्लस आप इधर अगर जिस तरह ये ऑटो रिग इसका और ये काफ़ी यहाँ पे आप अपनी शेल्फ भी क्रिएट कर सकते हैं और इनके शॉर्टकट्स भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. ओके, इसी तरह आप सिंपल यहाँ पे आएंगे और आप जिस तरह ये इसका पिविट आप देख रहे हैं, ये इसका पिविट यहाँ पे है इसलिए ये प्रॉपर जो है वो मिरर हो रहा है. मिरर कमांड जो है वो जहाँ पे आपका पिविट पॉइंट होता है वहाँ पे वर्क करती है. आप अगर सिंपल डी प्रेस करें और अभी ये देखें ये एडिट पिविट मोड में आ गया है तो आप इसका जो पिविट है वो चेंज कर सकते हैं. लेट से मैं यहाँ पे रख देता हूँ, दोबारा डी प्रेस करूँगा, पिविट मोड से बाहर आ गया, अभी ये मूव भी यहाँ से होगा, और अगर आप रोटेट करेंगे तो पिविट पॉइंट से ही सब कुछ होगा. तो पिविट पॉइंट जहाँ पे आप इसका रखेंगे वहाँ पे ही होगा. तो मैं कंट्रोल जी करके वापस ले आता हूँ, सिंपल पिविट पॉइंट इसका यहाँ पे है, और मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ. कंट्रोल डी प्रेस करने से उसकी एक कॉपी हो जाएगी और एक्सिस पे है तो स्केल में आऊँगा एक्सिस पे, टाइप माइनस वन एंड एंटर तो वो उसकी कॉपी कर देगा एग्जैक्ट वहाँ पे. उसके बाद शिफ्ट लेफ्ट क्लिक, सेलेक्ट बोथ पार्ट्स एंड देन शिफ्ट राइट क्लिक एंड सिंपली कंबाइन. और उसके बाद मेक श्योर आप वर्सेस में आए, और लेट से मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ, और फ्रंट व्यू में आके मैं इसके ये जो मिडिल के वर्सेस हैं वो इतना सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मेक श्योर कि मैं इसका ये रिमूव करता हूँ, ये भी सिलेक्ट था, और शिफ्ट राइट क्लिक, मर्ज वर्सेस एंड मर्ज वर्सेस और एंटर कर दें, और ये कमांड आपकी ख़त्म हो जाएगी. कहीं भी क्लिक कर दें, और उसके बाद पर्सपेक्टिव में आता हूँ, मेक श्योर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं. वर्सेस सेलेक्ट करता हूँ, ये वाले थे, डब्ल्यू प्रेस करें, मूव टूल में आए, और ये हमारे वर्सेस मर्ज हैं. और अभी आप देखें तो ये आप देख रहे होंगे जिस तरह ये सॉफ्ट दिखा रहा है, हालांकि ये है लो पोली, लेकिन फिर भी ये हार्ड एंड और सॉफ्ट एंड एजेस होते हैं. इस तरह लेट से कि ये आपके ये भी लो पोली है उसकी तरह, जिस तरह सिलेंडर से हमने ये बनाया था, लेकिन ये स्मूथ नज़र आ रहा है, ये स्मूथ नज़र नहीं आ रहा. तो आप इसको सिलेक्ट करें, सिंपल स्पेस प्रेस एंड होल्ड स्पेस बार, और मैश डिस्प्ले में आप आएँ तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन देखेंगे, हार्ड एन एच, सॉफ्ट एन एच, और हार्ड एन सॉफ्ट एन एच. इसमें आप एंगल बेसिकली दे सकते हैं. तो हमने इसको सॉफ्ट करना है, सॉफ्ट एन एच करेंगे तो आप अभी अगर ऑब्जेक्ट मोड में आएँ और आप देखें तो ये
हमारा इसने सॉफ्ट कर दिया एज, ठीक है। और आप इसको क्लिक करें और इसमें आप अगर इसको करें हार्डन एज तो वो दोबारा हार्डन कर देगा एजेस, ठीक है। और आप काफ़ी तरीक़ों से यूज़ करते हैं ऐसे, क्योंकि मैंने सारे को करना था तो सारे को कर दिया है। वो जो ब्लैकनेस आ रही है उसका इशू नहीं है, वो जब हम बेक करेंगे तो ऑब्वियसली वो जो उसकी प्रॉपर होगी स्मूथनेस वो उसके अंदर आ जाएगा, वो सारे ग्लिचेस दूर हो जाएंगे। इस तरह ये है, अगर स्पेस प्रेस करूँ और मैं डिस्प्ले में आऊँ और मैं इसको कहूँ हार्डन एज, तो अभी आप देखें ये इसने हार्डन कर दिया एज, ठीक है। और दोबारा इसको सेलेक्ट करूँ और मैश डिस्प्ले और इसको कहूँ सॉफ्टन एजेस, तो इसने सॉफ्ट कर दिया। जिस तरह मैं आपको यहाँ, अब आप अलग अलग करना चाहते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे प्रॉपर इसको बताया हुआ है कि ये वाला एज हार्ड है, ये वाला हार्ड है, जो कि चले ये वाला हार्ड कर लेते हैं, ये नहीं है। मैं एजेस में आता हूँ और सिंपल डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट मैश डिस्प्ले और इसको कहता हूँ हार्ड एज। और उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ तो वो देखें उसने ये वाला एज हार्ड कर दिया है, जो ये वाले थे वो स्मूथ कर दिए हैं, जो जो मैं हार्ड करता जाऊँगा वो हार्ड कर देगा और बाकी के जो है वो स्मूथ ही करेगा। तो इसी तरह ही आपने इसकी भी कॉपी ले लेनी है, इसका भी इधर मिडल में है, आप इसकी भी कंट्रोल डी और ये एक्स एक्सिस पे है तो ये ऑलरेडी -1 में है, तो इसको आप 1 करेंगे तो ये इसकी कॉपी यहाँ पे कर देगा। और उसके बाद आप सिंपली इनको मर्ज करना चाहें तो आप मर्ज कर देते हैं। और लास्ट जब आप सारा इसको आप मर्ज कर लें और मिरर कर लें सारा, सिंपली आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एडिट डिलीट बाय टाइप और हिस्ट्री, ताकि इसकी कोई हिस्ट्री हो तो आप वो भी डिलीट कर दें। और सिंपल उसके बाद आप इसको जो है वो यहाँ पे इसके रीनेम कर देंगे, ताकि प्रॉपर आपको पता हो कि ये क्योंकि मैश बाय नेम हमने करना है। जब हमने पिछले भी काफ़ी ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूँ कि बाय मैश हम सेलेक्ट करते हैं मैश नेम्स जो सब्सटेंस में हम बेक करते हैं मेथड जो है उसमें। सो मैंने ये ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं सिंपल इधर आके अगर ये फाइल सेलेक्ट करूँ और आप देखें कि ये मैंने अगर यहाँ से ये ख़त्म करूँ तो ये देखें मैंने जो हार्ड एंड सॉफ्ट एजेस करने थे वो भी कर लिए, जिस तरह आप स्पाइस देख लें और बाकी देख लें। तो इसकी जो कॉपीज थी कॉपीज मैं ले चुका हूँ ऑलरेडी, और सिंपली आप ये देखें ये मेरा लो पॉली है और इसको मैं साइड पे यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं एच प्रेस करूँ ये हाइड हो जाएगा और शिफ्ट एच से अनहाइड हो जाएगा, और ये ऑलरेडी मैंने इसका जो है वो ZBrush के लिए मैंने रेडी किया हुआ है। इसमें नथिंग फैंसी, कुछ इतना फैंसी नहीं है, सिंपल आप देखें तो मैंने सिर्फ जो है चैम्फर्स दिए हैं यहाँ पे, और इस पर देखें तो आप इसके भी वही चीज़ की हुई है और इसकी मैश थोड़ी ज़्यादा की हुई है, ताकि इसकी जो स्मूथनेस है वो थोड़ी बढ़ जाए। तो इसमें इतना कोई फैंसी नहीं है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और शिफ्ट एच प्रेस करके मैं इसको अनहाइड करूँ, आप अगर देखें तो सिंपल इसको सिलेक्ट करें और आप अगर एज में आए, लेट से कि मैं ये एज सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ भी मुझे हार्डनेस चाहिए, और लेट से कि ये और ये सेलेक्ट कर लेते हैं, ये भी सेलेक्ट कर लेते हैं और शिफ्ट राइट क्लिक, ठीक है, शिफ्ट राइट क्लिक, और उसके बाद आप सिंपल अगर इधर आए बेवल एजेस में, तो बेवल एजेस में आप आएँ तो ये बेवल कर देगा। ये 0.5 मैंने दिया हुआ, लेट से 0.3 एंटर, और ये 0.3 उसने कर दिया। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और 0.03 करूँ तो उतना ही काम कर देगा। मैं यहाँ पे आऊँ और लेट से 0.01 करूँ तो ये इसकी बेसिकली स्पेस हम जितनी देना चाह रहे हैं। और सिंपल इसको ऑब्जेक्ट मोड में आऊँ तो अभी मैं देखूँ तो आप दोनों में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा वाज़ेह किस्म का। ये अगर आप देखें तो ये काफ़ी मतलब डिटेल में आपको नज़र आ रहे हैं। तो सिंपली हमने करना यही है, और जिस तरह ये है इसमें शिफ्ट राइट क्लिक और इसमें आपको ये मिल जाता है स्मूथ ऑप्शंस, ठीक है। तो डिवीजन मैं लेट से 1 ही करता हूँ, अप्लाई करता हूँ तो आप देखें इसने कर दिया। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, लेट से मुझे एक ही डिवीजन चाहिए, तो आप देखें यही हुआ है। इसी तरह आपने मतलब ये डिफाइन कर लेने हैं एजेस सारे, ठीक है। जिस तरह ये है इसमें मैं आऊँ
राइट क्लिक करके एजिस में जाता हूँ, लेट से ये है ये है ये है, डबल क्लिक करके मैं सारे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको लेट से डी सिलेक्ट करता हूँ, इसको बाद में सिलेक्ट कर लूँगा, और शिफ्ट राइट क्लिक, और उसके बाद बेवल एजिस में आता हूँ। ये 0.5 यूज़ हुआ हुआ है, लेट से मैं कहता हूँ 0.03, ठीक है, जितना मैंने डिफाइन करना है। और ऑब्जेक्ट मोड में हूँ तो अभी आप देखेंगे वेल डिफाइन हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ही ये सारा जो है मैंने इनको डिटेल ज़्यादा देनी है, मतलब मैश डिटेल दे देनी है, और जहाँ जहाँ पे मुझे जो एजेस है वो मतलब मुझे क्रीज चाहिए वहाँ वहाँ पे दे दूँगा। पिछले ट्यूटोरियल्स में भी काफ़ी बता चुका हूँ, तो आप ये काम वैसे ZBrush में भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मैं ये कंट्रोल एजेस बेसिकली इनको कहते हैं, अगर ये कंट्रोल एजेस मैं नहीं दूँगा तो ZBrush जो है वो इसको काफ़ी स्मूथ कर देगा, मतलब इसकी जो डिटेल है और जो इसकी शेप है वो शेप इसकी जो है वो इस तरह नहीं रखेगा, मैनेज नहीं करेगा इस तरह, वो इसको स्मूथ कर देगा, क्योंकि कंट्रोल एजेस होंगे तो यहाँ पे ये हार्ड लाइन बनेगी जो मुझे चाहिए। तो यही आपने सिंपल करना है, और उसके बाद जिस तरह नेमिंग कन्वेंशन है, जिस तरह ये हैमर लो है, ठीक है, ये अगर मैं देखूँ ये सारे मैंने लिख दिया है स्पाइक्स लो, और इसी तरह ये इसको मैंने स्पाइक्स 01 लो कर दिया है। नेमिंग कन्वेंशन ऑब्वियसली आपकी अपनी हो सकती है, इसको मैंने हैमर टॉप लो कर दिया है, ठीक है। और अगर आप इसको आऊं और इसको मैं करूं एच से हाइड करूं, इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट एच, और इसके अंदर आप देखें ये हैमर जी, इस पूरे को जो है ये हैमर जी मैंने दिया, और इसमें आए हैमर जी है, ये एस जी है, जी स्टैंड फॉर ZBrush, क्योंकि जब ZBrush से हम एक्सपोर्ट करेंगे तो वो हम अंडरस्कोर हाई करेंगे, तो नेमिंग कन्वेंशन जो है वो बहुत मैटर करती है, तो वो आपने मेक श्योर करना है कि वो सेम हो। सो इस वीडियो में इतना ही है, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम इसको सिंपल, आपने सॉरी एक पॉइंट रह गया कि आपने एक्सपोर्ट करना है, तो वो इतना कोई फैंसी नहीं है, आप इसको सिलेक्ट करें और इसमें फाइल में आए, और सिंपल आपने यहाँ पे जाके करना है एक्सपोर्ट सिलेक्शन, ठीक है, और एक्सपोर्ट सिलेक्शन करके आपने इसको नेम देना है, नेम दे के जो भी आपका पाथ है वो पाथ देंगे और इसको सिंपल एक्सपोर्ट कर देंगे ऐसे FBX, क्योंकि मैं FBX यूज़ करता हूँ ताकि ये आपके जो ग्रुप्स हैं ये उधर बेसिकली इसी तरह आ सकें, और आप ऑब्वियसली ये ग्रुप्स में बना रहे हैं, पार्ट्स में बना रहे हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकें। जिस तरह इसमें सिंपल मैं कंट्रोल F1 प्रेस करूँ तो मैं इसको अलग डील कर सकता हूँ, और उसके बाद मैं अगर सिर्फ इसको स्कल्प्ट करना चाहता हूँ कंट्रोल, मतलब इसमें मैं आइसोलेट कर रहा हूँ, इस तरह आप ZBrush में आइसोलेट कर सकते हैं और उसको मैं सबको अलग डील कर सकूँ, और सिर्फ यही वजह है FBX में करने के लिए। बेसिकली मैं FBX ही यूज़ करता हूँ, OBJ यूज़ नहीं करता, तो FBX में आप एक्सपोर्ट करें, इसी तरह लो भी अपना एक्सपोर्ट कर लें, और सिंपल यू आर गुड टू गो। सो इस वीडियो में इतना ही है, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, अल्लाह हाफिज़।